told your friend you're not okay and tell me what's... Hello guys, good morning. और कैसे हैं आप लोग? एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर. और ये शायद मेरे साल का लास्ट व्लॉग होने वाला है इसीलिए. और मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, मैंने आपको एक व्लॉग में बोला था इसके पहले कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए. सो वो ये चीज़ थी कि मैं गोवा जाने वाली हूँ. पहले तो मैं अभी मम्मी के साथ में नागपुर आई थी नानी के यहाँ, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी एंजॉय किया जैसा कि आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा. मासी वगैरह आई थी सब. और अब मुझे मतलब यहाँ से मैंने बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगी ट्रेन से बहुत टाइम बाद. वैसे तो हमेशा फैमिली के साथ में ही किया है लेकिन बहुत मतलब मैंने अकेली तो कभी नहीं किया है. तो फिर देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा. और सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. अभी मैं मामा के साथ निकल रही हूँ. यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है इसका, रेलवे स्टेशन का. सो अभी वहाँ पे पहुँचती हूँ और मैं आपको दिखाती रहूँगी. ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी बट जितना भी हुआ मैं आपको दिखाती हूँ. और हाँ, एक और बात बतानी थी. पहले तो मैं यहाँ से जाऊँगी पुणे ट्रेन से, नागपुर टू पुणे, और वहाँ से फिर हम लोग रोड ट्रिप करने वाले हैं पुणे से गोवा की. बाय बाय बाय. और ये मैं नागपुर टू पुणे जाने के लिए ट्रेन में बैठी हूँ. और मुझे ये बहुत क्यूट सा ना बेबी मिला था वहाँ पे, जो जिसके साथ मैंने बहुत सारी बातें की. जस्ट मेरे सामने में ही बैठे थे ये लोग और पता ही नहीं चला कब पुणे आ गया. और मैं सुबह सुबह 6:30 बजे पहुंच गई हूँ पुणे. और आते ही मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया जो कि मेरे फेवरेट जगह पे. मैंने मसाला डोसा खाया और फिर ये चाय पी आफ्टरनून में. और उसके बाद में मेरे जो मैंने गलती से पार्सल करवा दिए थे वो पिक करे. और मेरे को थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी तो मैं चली गई शॉपिंग करने के लिए. और मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा एग्जॉस्टेड था, मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैंने ये वाला बर्गर खाया था. और उसका हम निकल गए अपने पुणे टू गोवा की ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे. और रास्ते में हम लोगों ने रात में डिनर कर लिया था क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था पूरा दिन. और ये देखो हाईवे पे मेरा फ्रेंड क्या सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो रही थी. इसीलिए हमने सोचा कि यार वहाँ पे जाने से पहले हम लोग इसको ठीक कराते हैं. और मैकेनिक आते आते सुबह हो गई, आप देख सकते हैं. और हम लोग 5:30 बजे से इस चीज़ के पीछे पड़े थे और सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक भी गाड़ी नहीं बनी है. और ये देखो मतलब ये एक बंद वाला थिएटर है जो कि मुझे थोड़ा हॉन्टेड वाली फील दे रहा था. और सुबह का भी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा था लेकिन हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि पूरी नींद और टायर्डनेस थी. के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग की जो गाड़ी है ना उसके ब्रेक फेल हो गए थे अराउंड 4:30. और उसके बाद से ही हम लोग ढूंढते ढूंढते एक गैरेज तक पहुंचे और अभी भी गाड़ी नहीं बनी. अभी वो बोल रहे हैं कि 12 बजे तक बनेगी. और उसके जो पार्ट्स है ना वो लाने के लिए वो लोग कोल्हापुर गए हैं. तो यहाँ से 70 किलोमीटर्स पे है कोल्हापुर और वहाँ से वो लाएँगे और फिर लगाएँगे और वो सब चीज़ें प्रोसेस में. 11:30-12 बज जाएगा आराम से. तो अब पता नहीं, इतनी एग्जॉस्टेड हो गए ना हम लोग, इतने थक गए कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें. तो अभी गाड़ी में ही सोएंगे थोड़ी देर. आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड गाइस, बहुत थक गई हूँ, एग्जॉशन हो गया बहुत ज़्यादा, नींद आ रही है. अब ये पता नहीं कब तक होगा और फिर हम लोग जाके सोएंगे. अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब वहाँ जाने के बाद में ना होटल में कोई, जो होटल हमने बुक किया है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रूम्स को लेके या किसी चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है. मेरा सिर दर्द होने लग गया है लिटरली 5:30 बजे से लेके अभी तक हम लोग यही टाइम पास कर रहे हैं. और मेरे को इतना ज़्यादा मतलब एग्जर्शन की वजह से कल भी मेरी ट्रैवलिंग के टाइम पर दम से नींद नहीं हुई थी और आज भी एग्जर्शन की वजह से बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ.
गॉड, उन्होंने थोड़ा जल्दी करके दे दिया और ये हम निकल गए। इतना सुंदर लग रहा था ना, जो ये घाट है जो हमको पड़ता है बीच में, इतना प्यारा लग रहा था वेदर। और पूरा मॉर्निंग था ना, सुबह सुबह तो सनलाइट भी आ रही थी और इतना देखने में इतना अच्छा लग रहा था। मैं इतनी टायर्ड थी और मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन मैं ये मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं बैठ के इंजॉय कर रही थी बस। और फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके सो जाऊँगी। आप खुद देखिए कितना प्यारा है। और ये हम लोग पहुँच गए गोवा फाइनली, इतने इतनी मेहनत करने के बाद में। और फिर ये मैं अपने जो हम लोग का गेस्ट हाउस था, मैं वहाँ से निकल गई, मुझे थोड़ा सा काम था। और फिर वहाँ पे वैसे तो काम हुआ नहीं, इतना सारा पैदल चलना पड़ा था क्योंकि फर्स्ट डे पे ही हमको स्कूटी नहीं मिली थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह की नहीं मैंने, सिर्फ देखा क्योंकि ऑलरेडी मैं करके आई थी। और फिर हम लोग रात में यहाँ पे और फिर रात में हम लोग ये बागा बीच पे आए, जो कि बहुत हैपनिंग था। चलो गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और अपना ध्यान रखना, और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग